ओम शांति। आज 14 जून के ईश्वरीय वरदान में आप सबका स्वागत है, जहाँ परमपिता परमात्मा इस वरदान में हमें सिखाते हैं कि हमें सेवा करनी है तो वो भी बिल्कुल अटैचमेंट के बिना, मोह के बिना, क्योंकि करवाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। और अगर हम अटैचमेंट के साथ में करते हैं तो भारीपन आ जाता है, मेरापन आ जाता है, अहंकार आता है और सेवा भी ठीक से हो नहीं पाती, चाहे आप किसी भी फील्ड में सेवा कर रहे हों। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, जस्ट वन फादर एंड नो बडी एल्स। सिर्फ परमपिता परमात्मा है, मेरे गाइड हैं, मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड दूसरा कोई नहीं है। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ सेवा, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, आपको देखने वाला सिर्फ परमपिता परमात्मा है और आप स्वयं को देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर, निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट बनकर, सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भवा। अगर लगाव में आ गए, मेरी सेवा है, मैं ही सबसे अच्छे से सब समझा सकता हूँ, मैं ही सबसे अच्छे से सिखा सकता हूँ, मेरे को ही इसका आइडिया सबसे ज़्यादा है, तो उस समय आप अकेले पड़ जाएंगे और सारा बोझ आपके ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं, फिर तुम बोलो सारा बोझ अपने ऊपर ले लो, मैं क्या करूँ, मैं कैसे मदद करूँ, जब खुद ही सारा बोझ लेते हो तो मैं क्यों मदद करूँ। करना भी चाहें तो परमात्मा कर नहीं सकते क्योंकि हमने मैंपन इतना ला दिया है। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई, कोई और व्यक्ति के साथ मेरा कुछ अटैचमेंट नहीं, सिर्फ परमात्मा जो मुझे गाइड करें वही मैं करूं, इसी स्मृति से रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। मन बुद्धि भटकती नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं, कब करूं, कौन करेगा, कौन मदद करेगा, ये सब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। बस एक बाप दूसरा ना कोई। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। परमात्मा ने सेवा दी है, जब परमात्मा चाहेंगे जहां भेजेंगे, जैसे भेजेंगे, जहां खिलाएंगे, जहां सुलाएंगे, जहां उठाएंगे वहां हम उठेंगे, सोएंगे, करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, लगाव की निशानी है क्या होती है? जहां लगाव होता होगा वहां बुद्धि जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति का, किसी सपोज कोई काउंसलर है, कोई व्यक्ति पेशेंट है, वो पेशेंट आज आया नहीं, या उसने कहा था मैं टाइम पे पहुँचाऊँगा लेकिन पहुँचा, लेकिन उसको गुस्सा आ गया काउंसलर को, उसको लगा कि ये कैसा व्यक्ति अपना टाइम पर नहीं आता है, समय पर नहीं आता है, और उसको उस व्यक्ति से उपेक्षा रही, तो भी काउंसलर काउंसलिंग कर नहीं सकता क्योंकि अटैचमेंट है उस व्यक्ति से कि वो टाइम पर आए, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करें। डिसरिस्पेक्ट फील हुई, ईगो हर्ट हुई। परमात्मा कहते हैं, ये हो गया लगाव। तो जहां लगाव होगा वहां बुद्धि जाएगी, मन भागेगा, तो जिसका मन भागेगा वो औरों की सेवा क्या करेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। चाहे वो घर हो आपका, चाहे फैमिली मेंबर्स हो आपके, वो सब परमात्मा के हैं और हमें परमात्मा की गाइडेंस और डायरेक्शन के अनुसार उनको संभालना है, अपने अनुसार नहीं। या तो एक बाप उनकी बात मान करके हम करें, या तो फिर लोगों की बात माने, अपनी बुद्धि ज़्यादा चलाएं और फंसते जाएं। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए कि सेवा करनी है तो निमित्त बन के करो, मेरा मेरा मेरे मेरे करके नहीं करो, क्योंकि वहाँ पर ईगो आती है, फिर आप अकेले रह जाते हो और अपने अनुसार सेवा करते हो तो फिर फंस जाते हो। तो हल्का रहना है तो मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और किसी से मुझे गाइडेंस नहीं लेनी है। आज का ये श्री वरदान, इस को करें कैसे प्रैक्टिकली, वो आप सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी से श्री विश्वविद्यालय में। आप स्वयं जाकर के वहाँ पे 7 डे कोर्स कर सकते हैं और सबको समझ सकते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली। इसके साथ ओम शांति।